आज हम लोग बात करेंगे मोटोरोला G85 के बारे में। ऐसे आप लोगों ने बहुत सारा फ़ोन देखा होगा जिसमें से बहुत एडवांस फ़ोन आते हैं इस प्राइस रेंज के हिसाब से, लेकिन ये फ़ोन कुछ ज़्यादा ही यूनिक है। इसके लिए हम लोग इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, तो हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका डिस्प्ले। इसमें हम लोग को पी ओलेड डिस्प्ले हम लोग को मिल जाता है, 6.67 इंचेस का हम लोग को मिल जाता है, और इसका जो ब्राइटनेस है इसमें हम लोग को 1600 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है। और जो इसका प्रोटेक्शन है इसमें हम लोग को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिला है, जो कि मतलब हम लोग को डस्ट प्रूफ भी है और वाटर प्रूफ तो पता नहीं, अभी तो पता नहीं चला है, लेकिन ये डस्ट प्रूफ है और भी ज़्यादा मतलब जो डिस्प्ले है उसको ज़्यादा कुछ हार्म नहीं पहुँचेगा। और जो इसका 1600 का निट्स पीक ब्राइटनेस है ये काफ़ी अच्छा है, धूप में काफ़ी अच्छे से विजिबल है। और अगर नेक्स्ट हम लोग इसका प्रोसेसर का देखें तो इसमें हम लोग को मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 का प्रोसेसर हम लोग को मिल जाता है, और वो है 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। 6nm मतलब होता है 6 नैनोमीटर। और अगर हम लोग इसका ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें तो इसमें लोग को एंड्रॉइड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका जो इसका CPU है वो ऑक्टा कोर है। और अगर इसका मेमोरी का हम लोग बात करें तो इसमें लोग 64 हम लोग को नहीं मिलता है, और इंटरनल मेमोरी हम लोग को 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, और फिर हम लोग को 8GB रैम प्लस 256GB, और जो थर्ड वेरिएंट है वो है 12GB रैम प्लस 256GB का इंटरनल स्टोरेज हम लोग मिलता है। और इसका हम लोग देखें तो रीड एंड राइट स्पीड का जो UFS है UFS 2.2 का सपोर्ट हम लोग मिल जाता है, जिससे रीड एंड राइट स्पीड ना स्पीड तो नहीं होगा लेकिन फिर भी काफ़ी मतलब फिर भी काम चलने से फिर भी होगा फिर भी, लेकिन इतना लेग तो नहीं करेगा। और इसका हम लोग को कैमरा का बात करें तो इसमें लोग को डुअल कैमरा मिल जाता है, जो कि फर्स्ट है 50 MP और सेकंड है 8 MP का, और जो 8 MP है वो अल्ट्रा वाइड भी है। और फिर हम लोग को फीचर्स में इसमें हम लोग को देखें तो इसमें लोग LED फ्लैश मिल जाते हैं, और जो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग है हम लोग मेन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग 1080 30 FPS और 60 FPS में हम लोग आराम से कर सकते हैं। इसमें 4K या 2K तो ये सपोर्ट नहीं है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में हम लोग को थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग मतलब जब बजट के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। और इसका जो फ्रंट में हम लोग देखें उसका सेल्फी कैमरा वो 32 MP का है, और इससे भी अगर हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहें तो इसे 1080 pixel और 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसमें 60 FPS नहीं है 30 FPS तक है। और इसमें हम लोग साउंड का देखें तो म्यूज़िक के लिए अगर आप लोग म्यूज़िक लवर हैं तो इसमें हम लोग को स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, और लेकिन 3.5 mm जैक हम लोग को नहीं मिलता है। इसमें कोई टेंशन नहीं है, आप लोग वायरलेस हेडफोन्स यूज़ कर सकते हैं। और इसका हम लोग अगर बैटरी का देखा तो इसमें लोग को 5000 mAh का मिली एम्पियर बैटरी मिल जाता है, जो कि नॉन रिमूवेबल है। और इसमें हम लोग को 33W का वायर चार्जर लोग को मिल जाता है, जो कि फास्ट चार्जर है। और अगर हम लोग देखें तो इसका जो फ़ोन है जो मतलब मोटोरोला G85 है, ये फ़ोन उतना हैवी तो नहीं है, जो इसका प्रोसेसर है इतना भी हैवी नहीं लगा हमको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 6nm हमको नहीं लगता इतना अच्छा है, लेकिन 4nm रहता तो और काफ़ी अच्छा होता। लेकिन मोटोरोला ने जो लॉन्च किया है ये फ़ोन तो फिर भी अच्छा होगा। अगर आप लोग मोटो के लवर हैं तो आप लोग इस फ़ोन को आराम से ले सकते हैं, मतलब ज़्यादा बजट भी नहीं है, आप लोग इस फ़ोन को ले सकते हैं। तो गैस आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गैस।